okay hello friends i welcome you all on my youtube channel science A2 friends in today's video we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in gay 2015 december exam okay friends there are total four questions one question is for two marks and three question is for four marks so let's start this is your first question friends the question says in kohlrausch law lambda m is equal to lambda uh, m naught minus k in the root c सो ये लेमडा नॉट एम एंड के ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको पता बताना है फ्रेंड्स कि जो लेमडा नॉट एंड के है वो इनमें से किस स्टेटमेंट के साथ रिलेट करते हैं फ्रेंड्स चलिए एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स को देखते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है डिपेंड ओनली ऑन स्टोचोमेट्री तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉर्राउस कोर्राउस लो आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स लेमडा एम इज़ इक्व टू लेम नॉट एम माइनस के अंडर रूट सी फ्रेंड्स तो देखिए जो आपकी इक्वेशन है कोलराउ लो की सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखने है कि ये जो इक्वेशन होती है वो ओनली यूनी यूनीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई होती है ओनली यूनी यूनीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई होती है यहाँ पर यूनी यूनीलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन्स क्या है फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए जैसे एन ए सी एल यहाँ पर देखिए जो आपके कैटा उस पर भी एक सिंगल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है एंड जो क्लोरिन यहाँ पर भी क्या सिंगल नेगेटिव चार्ज है यानी यूनीलेंट चार्ज होना चाहिए आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उस पर तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर सी ए सी एल टू लेंगे तो इस पर क्या होगी ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम पर क्या है प्लस टू चार्ज आ जाएगा फ्रेंड्स इसलिए तो इसलिए एक तो पहली चीज़ देखिए यहाँ पर कहें ओनली यूनीूलिट इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो तो चलो आपको मिल जाता है कि डिपेंड इन स्टोईचोमेट्री पर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ओनली ऑन तो ये पॉइंट हम अभी नहीं ले सकते तो यानी ये स्टोईचोमेट्री पर तो डिपेंड करता है अब देखिए फ्रेंड दूसरे में दूसरी बात क्या होती है कोराउ में कि इट इज़ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कोल राउ स्लो में ये इसका स्टेटमेंट होता है कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ आयंस एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन इट मीन्स क्या है कि इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होती है वो ओनली आयन की नेचर पर डिपेंड करती है इट मीन्स हम इसको इस तरह से जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इनफाइ एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इज Only depend on is only depends on the nature of iron. Okay friends. इट मीन्स यहाँ पर नेचर की मीन्स हम किस बात कर रहे हैं iron की नेचर कैसा होगा या तो स्ट्रांग होगा गया या वीक होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने पहले बोला था कि एक तो क्या है स्टोईचोमेट्री पर डिपेंड करिए दूसरा क्या है ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी पर भी डिपेंड करती है आपकी यानी स्पेसिफिक आइडेंटिटी मीन्स जो आपका नेचर ऑफ आयन है उस पर भी क्या करती है ये डिपेंड डिपेंड करती है कंडक्टेंस तो यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन है उसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर फोर है एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टोईचोमेट्री रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बस आपको ये चीज दो पॉइंट ध्यान रखने एक तो ये इक्वेशन जो है कोर श्लो की ओनली यूनि यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई होगी एंड नेक्स्ट है कि इन्फाइनाइट डायलिश में जो कंडक्टेंस है आपकी वो किस किस पर डिपेंड होती है नेचर ऑफ आयन है या आयन या तो स्ट्रॉन्ग होगा आपका या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ओके okay, फ्रेंड्स तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका टू मार्क्स का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन से टेन एम एल एलिकोड्स एलिकोड्स ऑफ आ मिक्सचर ऑफ एस सी एल एंड एस सी एच एन ओ थ्री आर टाइट्रेटेड कंडक्टोमेट्रिकली यूजिंग आ पॉइंट वन एम एन ओ एच एंड पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री सेपरेटली तो मीन्स आपको क्या है फ्रेंड्स मिक्सचर दे रखा है एस सी एल एच एन ओ थ्री का उस मिक्सचर को आपने एक बार तो पॉइंट वन एम एन ओ एच से टाइट्रेट किया एंड एक बार आपने पॉइंट वन एम ए जी एन ओ थ्री से टाइट्रेट किया अलग अलग वीकर में टाइटर वॉल्यूम्स वी वन एंड वी टू एम एल यहाँ पर आपका वी वन जो है एन एच का वॉल्यूम है वी टू है आपका ए एन ओ थ्री का वॉल्यूम है द कंसनट्रेशन कौ, ऑफ एच एन ओ थ्री इन द मिक्सचर इज ऑप्टेन फ्रॉम द कंसनट्रेशन तो फ्रेंड्स आपको ये पता करना है कि यहाँ पर एच एन ओ थ्री की कंसनट्रेशन किस तरह से निकालेंगे अगर आप वी वन एन वी टू को लेते हैं अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो टाइट्रेशन हमने करी है फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स जो आपके मिक्सचर है आपका किस किसका फ्रेंड्स मिक्सचर है आपका एच एन ओ थ्री और एस सी एल का मिक्सचर उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं एन ओ करा रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है अब ये भी क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इट मीन्स क्या यहाँ पर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रांग एसिड की रिएक्शन आप करा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से तो ये टाइट्रेशन कुछ इस तरह से कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस तो इट मीन्स यहाँ पर जो इनिशियल कंसनट्रेशन शुरुआत में ही क्या होगा आपके एस प्लस एन दोनों एस सी एल और एच एन ओ थ्री से इनको मिलेंगे यानी न्यूट्रलाइजेशन दोनों का साथ साथ होगा एच एन ओ थ्री का भी होगा और एस सी एल का भी होगा यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का एंड पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा एन ए सी एल प्लस एन ए एन ओ थ्री प्लस एस टू ओके फ्रेंड्स तो आपका जो ये एच एन ओ थ्री है ये किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है एच प्लस प्लस एन ओ थ्री माइनस एस सी एल किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है एच प्लस प्लस सी एल माइनस आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इस तरह से डिसोसिएट होंगे इन दोनों की रिएक्शन जब आप करा रहे हैं अलग अलग एन से तो देखिए इस यहाँ पर आपके जो टाइट्रे का वॉल्यूम है टाइटरे एन एच का वो क्या दे रहेगा वी वन इट मीन्स ये क्या है आपका एंड पॉइंट का वॉल्यूम है इस एंड पॉइंट पर क्या होगा फ्रेंड्स जो आपके अब बिकॉज आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों तो यहाँ पर जो वी वन की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन पूरा हुआ होगा वो क्या किन किन का दोनों एसिड्स का पूरा हुआ होगा सब कहने की बात ये है यानी एच एन ओ थ्री का एच एन ओ थ्री भी कम्पलीट न्यूट्रलाइज़ हुआ होगा एस सी एल भी कम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ होगा तो इटमी यहाँ पर क्या जो दोनों हाँ, आई एसिड से H प्लस आयन मिलेंगे उनका न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इट इटमीन यहाँ पर जो V1 का वॉल्यूम है उससे आप किस क्या, क्या क्या पता कर सकते हैं एस सी एल प्लस एच एन ओ थ्री दोनों की कंसनट्रेशन क्या इसके आएगी इसके बराबर आएगी यानी आप इन दोनों की कंसनट्रेशन पता कर पाएंगे एंड पॉइंट से हम यही पता करते हैं ठीक है, है फ्रेंड्स हमको पता है ना एक नो, नोन से अन की पता है टाइट्रेशन में सिंपल सी होती है नोन कंसन्ट्रेशन से अन नोन की पता था यहाँ पे नोन तो एन एच की है तो आप अननोन नोन एस सी एल प्लस एच एन ओ थ्री आपको पता लग जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स जो आपकी सेकंड टाइट्रेशन हो रही है सेकंड टाइट्रेशन में क्या परफॉर्म हो रहा है आपके फ्रेंड सेकंड टाइट्रेशन आपकी हो रही है थ्री से मिक्सचर आपका क्या है एच एन ओ थ्री और सी एल अभी भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है आपके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है एजी का पी एंड एच एन ओ थ्री अब आपको ये एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स की जो पीपीटी होती है उसकी कंडक्टेंस में कोई रोल नहीं होती है तो ये बात आपको बस इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है कि जो भी पीपीटी पी रिएक्शंस होती है जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है ए का पीपीटी मिल रहा है तो यहाँ पर जो पीपीटी होता है उसका कंडक्टेंस में कोई भी क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता इट मीन्स आपके यहाँ पर जो है ओनली uh, क्या हो रहा है एस डिसोसिएट हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए एच एन और ए की रिएक्शन से तो वापस ए और एच एन कोई रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं लेकिन यहाँ पर ए जी एन की रिएक्शन से क्या मिल रहा है आपको ए जी सी एंड एच मिल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है ओनली एस का क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है तो जो आपका वी होगा वी पर आपको ओनली किसकी कंसेंट्रेशन पता चलेगी एस सी एल क्योंकि डिसोशिएट ओनली एस सी एल हो रहा H कहां है एच प्लस एन कहाँ से आ रहे हैं ओनली एस सी एल से आ रहे हैं तो अब आपको ये पता लग गया फ्रेंड्स कि वी की वैल्यू क्या है आपकी एस सी एल की कंसेंट्रेशन एच एन दोनों की मिलाकर है एंड वी टू की क्या है आपकी एस सी एल है अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों आपको पता लग गया तो यहाँ पर एस सी एल की जगह आप वी टू की वी टू भी रख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका वी टू प्लस एच एन ओ थ्री ये हो गया ना फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर यह आपको ऊपर जो मैंने प्रोसेस समझा है वहीं से आया तो यहाँ से जब आप एच एन ओ थ्री की कंसनट्रेशन निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी वी वन माइनस वी टू तो देखिए वो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है बहुत ही सिंपली दो टाइट्रेशंस दी गई थी पहली टाइट्रेशन में आपको ये पता करना है कि कॉम्बिनेशन जो है एसिड्स का स्ट्रॉन्ग एसिड्स का तो दोनों डिसोसिएट होंगे तो एंड पॉइंट पर जो आपको न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी वी वन उसमें क्या है दोनों के एस प्लस का कंट्रीब्यूशन रहेगा लेकिन सेकंड वाली पीपीटी रिएक्शन है उसका कंडक्टेंस में कोई रोल नहीं होता है तो इसलिए हम उसको नेगलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ओनली एस सी डिसोसिएट होगा तो वी की वैल्यू एस से मिलेगी जब वी वन माइनस करेंगे तो आपको एच की वैल्यू क्या मिल फाइंड हो जाएगी ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर मार्क्स का आपके क्या कह रहा है गिवन डेट ई नॉट सी एल टू कन्वर्ट्स इन टू सी एल माइनस इज वन पॉइंट थ्री फाइव वोल्ड एंड के एस पी यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीसील इस टैनग्री पार माइनस टेन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ई नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रो रिएक्शन ये आपको इलेक्ट्रो रिएक्शन दी है आपको इसके ई e नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है इन इसकी ई e नॉट की वैल्यू और इसकी के एस पी की वैल्यू से तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिए क्या है आपको जो गिवन है क्वेश्चन uh, uh, में वो क्या दिया हुआ है आपको ये इक्वेशन दी गई है यही दिया गया ऊपर सी एल टू से क्या कन्वर्ट हो रहा है सी एल माइनस ये इक्वेशन हमने इसकी क्या लिख ली ई नोट की वैल्यू लिख ली उसके बाद आपके क्या है ए जी सी एल की के एस पी की सॉलिब्रिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है ए जी सी एल कन्वर्ट्स इनटू Ag+ ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस इसके सॉलिब्रिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है आपकी टेन की पावर माइनस टेन तो देखिए फ्रेंड्स अब अगर आपको इस रिएक्शन की वैल्यू निकाले अब देखिए अगर आप इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे ना तो आपको जो ये रिजल्टेंट रिएक्शन है ये मिलती है तो मतलब कुछ इस तरह से होगा कि आपको अगर ये रिएक्शन में से इस रिएक्शन की वैल्यू क्या कर दे आप ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगी इस रिएक्शन की ये नोट की वैल्यू मिल जाएगी यानी अल्टीमेटली कुछ इस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए तो मतलब उसके लिए आपको क्या है जो आपकी ये एजीसीएल वाली रिएक्शन है इसकी के नोट की ई नोट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको पहले उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको के एस पी की वैल्यू दे रखी है ये रिएक्शन है आपको अब आपको पता है कि ये रिएक्शन क्या होती है इक्विलीबेरियम में होती है ये एक इक्विलीबेरियम में रिएक्शन है तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इन तरह की रिएक्शंस में जो इक्विलीबेरियम कांस्टेंट होता है वहाँ पर जो इनका रिएक्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है आपके या आयंस की कंसनट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं इन रिएक्शन में तो यहाँ पे इक्विलीबेरियम जो है, तो है तो आपका के वो तो क्या यह तो 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 है यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्विलीबेरियम कॉन्सटेंट जिसको आप क्या बोलते हैं के यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगा आपके एजी प्लस मल्टीप्लाई बाय सी एल माइनस ठीक है फ्रेंड्स तो आपको आपके पास हमको पता है एक फॉर्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग टेन के एस पी ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऊपर सॉरी लिखना भूल गया आपके जो क्वेश्चन था उसमें आपको टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एफ़ की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स वोल्ट आपके साथ क्वेश्चन में थी ये वैल्यू सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया तो देखिए फ्रेंड्स जब आप अब देखिए यहाँ पर क्या है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपन एफ़ की तो वैल्यू आपको दी गई है एन की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर हो रहे हैं या नंबर ऑफ आयंस तो यहाँ पे वन है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वन हो जाएगी तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू ए जी सी एल वाली रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी आपकी ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स डि अपॉन वन लॉग टेन टी पावर माइनस टेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाती है आपकी ज़ीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ओके फ्रेंड्स तो ये आपकी चलिए ये रिएक्शन की इनोट की वैल्यू आपको मिल गई एंड ये रिएक्शन के इनोट की, की वैल्यू क्या है आपको मिल गई फ्रेंड्स तो अब देखिए आपको जो रिजल्ट अल्टीमेटली किस रिएक्शन का निकालना हाफ सी एल टू प्लस ए जी प्लस प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ए जी प्लस आपका किस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर जिस रिएक्शन का आपने इनोट निकाला है उसमें ए जी प्लस कहाँ है आपका राइट हैंड साइड है इट मीन्स आपके जो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको रिवर्स करना पड़ेगा तो यानी जो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू है जब इस रिएक्शन के इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसके ई नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी तो इस रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो आपकी एजीसीएल वाली रिएक्शन डिसोसिएशन वाली उसमें रिवर्स करने पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा आपके Ag प्लस प्लस, प्लस सी एल माइनस इन इक्विली टू ए जी सी एल ओके फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको दोनों की वैल्यू पता लग गई ई नोट क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वस टू तो क्लोरीन माइनस की ई नोट की वैल्यू आपको पता लग गई एंड यहाँ पे Ag प्लस सी एल गिवस ए जी सी एल की की वैल्यू आपको पता लग गया बस आपको इसको क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या है एक तरह से ये वाली सपोज़ आप इस रिएक्शन को मानिए इक्वेशन नंबर वन इस रिएक्शन को मानिए इक्वेशन नंबर टू जो आपने रिवर्स किया एंड ये जो आपकी क्वेश्चन है इसमें इस इक्वेशन इस को मान इक्वेशन नंबर थ्री देखिए फ्रेंड जो आपके एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू नॉट को जब आप काउंट करेंगे तो ये क्या बन रही है आपकी एन थ्री ई थ्री आपको पता है इक्वेशन वन और टू को जोड़ने पर ही तो इक्वेशन नंबर थ्री आई थी है ना तो एन वन ई वन नॉट और एन टू नोट ई टू नॉट को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी आपकी एन थ्री ई और हमको निकालना क्या है ई थ्री नोट ही तो निकालना है ई वन नॉट आपको पता है वन पॉइंट थ्री फाइव है ई टू नॉट आपको पता है पॉइंट सिक्स है ई थ्री नॉट हमको निकालना है एन थ्री हमको पता है वन है एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू वन है तो यहाँ से जब आप ई थ्री नॉट को निकालेंगे तो क्या आएगा ये वन पॉइंट थ्री फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय वन तो यहां से ई नॉट थ्री की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी वन पॉइंट नाइन फाइव वोल्ट योर ऑप्शन नंबर फोर तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बस एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पे सॉलिडिटरी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वैसे यहाँ पर लॉग के इक्वलीबेरियम कांस्टेंट आता है लेकिन आपको पता है कि इस टाइप की रिएक्शन में इक्विलिबेरियम में जो इनकी आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसलिए हम डायरेक्ट इक्वलीबेरियम कांस्टेंट की जगह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू रख कर भी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल यहाँ पर आपको एक प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन दी गई है उसका आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड ई है उसका रिलेशन निकालना टेम्परेचर के साथ कि क्या फ़र्क पड़ता है इंक्रीज़ होता है डिक्रीज होता है अनचेंज रहता है या एस के साथ डिक्रीज होता है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए इससे पहले वाले जो जून 2015 का क्वेश्चन था उसमें भी क्या एक रिलेशनशिप आपसे पूछा गया था टेम्परेचर डिपेंडेंस का हम उसी रिलेशनशिप का एंट्रोपी का गिफ्ट फ्री एनर्जी की टेम्परेचर डिपेंडेंस से पूछी गई थी कुछ यही क्वेश्चन था तो हम उसी रिलेशनशिप का भी क्या इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हमको पता है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है आपका डेल्टा एस उसका क्या फॉर्म रिलेशन होता है ई एम एफ से डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इस वाली पूरी टर्म को फ्रेंड्स हमने क्या बोला था टेम्परेचर कोफ़िशेंट आपको याद हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जून वाली में ये होता है आपका टेम्परेचर ओके फ्रेंड्स okay अब देखिए जो आपको रिएक्शन दी गई है तो एक रिएक्शन हम लिखते हैं रिएक्शन क्या है आपके हाफ हाइड्रोजन गैस प्लस कन्वर्ट्स इनटू एज सॉलिड प्लस प्लस सी एल माइनस सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर सॉलिड में या हाइड्रोजन गैस जाके कन्वर्ट हो रही है एच प्लस में ओके okay फ्रेंड्स तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो गैसेज स्टेट है ये क्या हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रही है कन्वर्ट हो रही है एक्वस फॉर्म में तो मीन्स क्या है गैसेज मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है गैस की गैसेज मॉलिक्यूल डिक्रीज होने पर हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन की जो एंट्रोपी चेंज हो क्या हो रही है नेगेटिव या लेस देन जीरो इट मीन्स एंट्रोपी चेंज बिकम डिक्रीज क्योंकि गैस कन्वर्ट हो रही है आपके एक्वस फॉर्म में तो इसलिए एंट्रोपी क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी अब देखिए अगर डेल्टा इज टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशेंट भी जो होगा आपका डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा तो जीरो होने का मीन्स अगर आप टी इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ई एम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स अगर आप टी इंक्रीज करते हैं तो आपके ई e की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है आपको बस ये ध्यान रखना है गैस फॉर्म क्या हो रही है एक्वस फॉर्म में तो ऑब्वियसली जब गैसेस गैसे मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज होता है तो एंट्रोपी क्या होती है घटती है नेगेटिव में जाती है डिक्रीज होती है वही चीज हमने यहाँ पर क्या सिंपल उस कॉन्सेप्ट को यूज किया तो इट मीन डेल्टा इज टेंस टू या लेस देन जीरो सॉरी तो डेल्टा इज बिकम्स डिक्रीज सो इट मीन्स डेली ओवर डेल्टी लेस देन जीरो डिक्रीज़ होगा यहाँ पे अब यहाँ पर इस रिलेशन में अगर आप टी इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या होगा ई e की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है डिक्रीज विथ टी ई एम एफ ई एम एफ डिक्रीज विथ टी टी इंक्रीज तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यही सेम कॉन्सेप्ट uh, पे सेम फार्मूला पे जून टू में भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स आप वहाँ पर जरूर देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन uh, कुछ था शायद आपके क्वेश्चन था फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज फोर मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स डेल्टा एस ओवर तो टेम्परेचर कोफिशियन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ई और टी में ही रिलेशन पूछा था तो यहाँ पर यही था डेल ई ओवर डेल्ट इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर एन एफ ये वाला जो रिलेशन है यही था आपका टू जून टू थाउजेंड फिफ्टीन में भी क्वेश्चन तो वहाँ पर भी आप जरूर देखिए तो मतलब सेम फॉर्मूले से आपके लगातार दो क्वेश्चन आए हुए इट मीनस यहाँ पर क्या है जो इनके थर्मोडाइनमिक रिलेशंस होते हैं आ, सेल सेल वाले पार्ट में आपके इलेक्ट्रो के, केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनसे लगभग लगभग हर साल एक नए क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे तो ये थे आपके चारों क्वेश्चन दिसंबर 2015 के आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग